सचे दरबार की जय। वो शेरावाली मैया की जय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल। मैं इस समय मौजूद हूँ आवास विकास के प्राचीन शिव मंदिर में, जहाँ पर युवा मंच द्वारा हर साल कोई न कोई नया प्रोग्राम किया ही जाता है। इसी बीच युवा मंच द्वारा इस बार माता वैष्णो देवी की झांकी का आयोजन किया गया है, जो ये 2018 से खुद ही आयोजन करते हैं। इसमें हजारों की लोग भीड़ उमड़ती है। जैसे लोग जो जाते हैं बाहर वैष्णो देवी दर्शन करें, वहाँ जिस तरह से वहाँ देखते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे ये युवा मंच द्वारा दर्शाया जाता है। आइए बात करते हैं युवा मंच के अध्यक्ष जिससे कि बात करते हैं किस तरह से यहाँ तैयारियाँ चल रही है और कब से ये इसका आयोजन किया जाएगा और कितने लोगों की आने की उम्मीद है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरागी लाल न्यूज चैनल में। सर, किस तरह से जिस तरह से माता वैष्णो देवी का मंदिर वहाँ देखा जाता है कि भव्य है, उसी तर्ज पे आप यहाँ भी दर्शाते हैं, किस तरह से आप तैयारी करते हैं, कितने लोग यहाँ आते हैं और किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं? धन्यवाद आपका, आप मंदिर प्रांगण में आए। और अब 2018 में हमने पहली बार हमारा यहाँ युवा मंच का गठन हुआ था। हमारे मंदिर के अध्यक्ष श्री पवन वर्मा जी, जिन्होंने हमारे युवा मंच का गठन किया था, और 2018 से हमने पहली बार माता वैष्णो देवी का दरबार बनाया था। और बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से हमने फिर किया। फिर 2019 में हमने बाबा अमरनाथ की यात्रा बनाई थी। 20 और 21 में कोरोना काल आ गया था, और उसके बाद फिर हमने 22 में पिछले साल हमने बाबा केदारनाथ यात्रा का पूरा विवरण यहाँ दर्शाया था और पूरा अच्छे से किया था। इस बार मंदिर सभा ने हमें सपोर्ट करा। मंदिर सभा के अध्यक्ष पवन वर्मा जी ने हमें कहा कि इस बार आप फिर माता का दरबार सजाओ, क्योंकि पिछली बार थोड़ा फंड्स की भी दिक्कत आई थी, कोरोना काल भी अभी हाल ही में ख़त्म हुआ था। तो इस बार हमने फिर माता वैष्णो देवी दरबार का यहाँ पे मन बनाया। हमारी 37 युवा की टीम, लड़कों की हमारी है। और अब बात आती है संख्या में, तो हमारा जो इस बार हमारा मन है और माता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, 5000 यात्री पर दिन हमारे यहाँ आने की संभावना है। और 7 सितंबर को हमारे झांकी का उद्घाटन होगा, और जन्माष्टमी वाले दिन, और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 दिन हम यात्रा चलाएंगे। प्रतिदिन रात को 8 बजे हमारे यजमान और हमारे अतिथि आएंगे और उनके द्वारा पूजा की जाएगी, माता की जोत जलाई जाएगी, और उसके बाद हम इस झांकी को दर्शनों के लिए, पब्लिक के लिए खोलेंगे। सर, इसमें इसका उद्घाटन कौन करेगा? देखिए, प्रथम दिन हमारे एक यजमान होते हैं जो पूजा अर्चना के आरती करते हैं, और उसके बाद हमारे अतिथि होते हैं। प्रथम दिन हमारे यजमान हैं श्री हरीश मुंजाल जी, आरजे लॉजिस्टिक की वरिष्ठ समाजसेवी हैं रुद्रपुर के, और हमारे सांसद हमारे अतिथि हैं, हमारे अजय भट्ट जी हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके साथ क्षेत्रीय विधायक हमारे श्री शिव अरोड़ा जी, ये हमारे झांकी का उद्घाटन करेंगे। सर, जैसे कि माता के दरबार में कोई ना नेता होता है ना कोई अधिकारी होता है, यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था की गई? नहीं, कोई नेता अधिकारी हमारा कोई मोटिव नहीं था नेता या अधिकारी को बुलाना। हमारा सिर्फ ये था कि मंदिर की एक गरिमा बनी है हमारा, हम एक समाज से जुड़े हुए हैं, ना कोई हमें किसी से कोई ये किस पार्टी का है किस पार्टी का नहीं है। हमने हर तरह के बंदे को हर अतिथि बनाया, हमने उनको सम्मान दिया है ताकि हमारे मंदिर की गरिमा बने, आगे हमारे मंदिर का विकास हो। देखिए, जब आपको भी पता है और सबको पता है कि जो ये फंड्स होते हैं और इस तरह की धर्मशाला और मंदिर में जो विकास होता है वो इन्हीं जगह से आता है, तो इसीलिए हमने सबको आज बुलाया है। सब घोषणा करके जाएंगे, हमारी सांसद जी से भी बात हुई है, हमारी मेयर साहब से, दो दो तीन तीन विधायक आ रहे हैं हमारे इसमें मंदिर में, क्षेत्रीय विधायक आ रहे हैं, हमारे नेता अगले दिन हमारे नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, उसके बाद हमारे किच्छा के विधायक तिलकराज भेड़ जी आ रहे हैं आखिरी दिन, तो ऐसे करके सब लोग, सब समुदाय के हमारे मेयर रामपाल जी आ रहे हैं। कल भी हमारी रामपाल जी से बात हुई तो वो कह रहे हैं मैं आऊँगा, और उसके बाद जो आप कहेंगे हमारे मंदिर के विकास के लिए। तो हमारा मोटिव कोई नेताओं को बुलाना नहीं है, हमारा मोटिव मेन ये रहता है कि मंदिर में सब आएँ, सब आएँगे, हमारे मंदिर का नाम होगा, विकास होगा और मंदिर तरक्की करेगा। सर, इसमें लगभग कितने खर्चाओं की तो बात ही ना करें तो सही है, लेकिन कितने दिनों से कार्य चल रहा है और कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा?
देखिए, 1 जुलाई को हमने युवा मंच वालों ने आपस में एक सरसरी फोनों पे बात हुई थी, तो 2 जुलाई को हम मंदिर में प्रांगण में बैठे थे। हम सब ने ये डिसाइड किया था कि हम इस बार माता वैष्णो देवी दरबार बनाएंगे। फिर हमने मंदिर सभा से अनुमति ली, मंदिर सभा ने हमें अनुमति दी और 19 जुलाई को हमने यहाँ पे भूमि पूजन किया था मंदिर सभा के अध्यक्ष पवन वर्मा जी के साथ में, और मंदिर सभा के काफ़ी लोग आए थे। हमने यहाँ भूमि पूजन किया था युवा मंच ने और मंदिर सभा ने। भूमि पूजन के बाद हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया था, बनना शुरू हो गया था। सर, अगर आप मोटा मोटा देखें तो हम 1 जुलाई से और 7 सितंबर, मतलब हमारा 2.5 महीने की मेहनत होती है, जिसमें हम और सारे हमारे जितने भी युवा साथी हैं सब कारोबारी हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, किसी का अपना व्यापार है, सब अच्छे अच्छे परिवार के हैं और सब समुदायों के लड़के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब पंजाबी हैं या कुछ हैं, हमारे पास शर्मा भी है, सरदार फैमिली से भी हैं, हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के लोग हैं। और हमारे को एक खुशी है कि हम सब सेवादार हैं, हम सेवा भाव से काम करते हैं। इसमें हमारे पास मंदिर अध्यक्ष का लड़का भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस का लड़का भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, किच्छा विधायक का लड़का भी हमारी से टीम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और वो रेता भी उठाते हैं यहाँ पे, केले भी ठोकते हैं, सारे काम करते हैं और एक सार, कोई बड़ा छोटा नहीं है, और बड़े अच्छे मन सेवा भाव से माता का नाम लेके और हम लोग यहाँ कार्यक्रम को करते हैं। देखा आपने, अध्यक्ष जी ने बड़ी बखूबी से अध्यक्ष जी ने बताया। अब इसी क्रम में बात करते हैं, जो यहाँ सेवादार जो सहयोगी रहते हैं, किस तरह से लोग सहयोग करते हैं, आइए बात करें। सर, क्या नाम है आपका? हर्षित। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो अभी जुड़ा हूँ युवा मंच से, तो मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे काम करने का। मैं तो उनसे हमेशा चाहूँगा कि हमेशा मेरे को इससे जोड़े रखें, और हर बार मुझे यहाँ पे इससे जुड़ने का मौका मिलता है, सेवा करने का मौका। जैसा कि आपने देखा, साथ अभी कहते हैं नहीं, युवा मंच, युवा में अगर ऐसे ही प्रेरणा हर किसी को मिलती रहे, क्या संदेश देंगे? देखो, मैं तो यही चाहता हूँ कि सारे बंदे, सारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये रोज़ आके और यहाँ पे टाइम दे थोड़ा सा, और इसको बहुत आगे और भी बहुत अच्छा बनाएंगे। सर, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम नितिन वर्मा है। सर, आप कब से जुड़े हैं और क्या क्या इसमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है कि सब जगह में, कि छोटी सी जगह है लेकिन हर झांकी को बखूबी से निभाया जाता है, दिखाया जाता है, जैसे माता वैष्णो देवी का झांकी लग रही है यहाँ पे, किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे इस युवा मंच में पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं विदेश में ऑस्ट्रेलिया में था, और उसके बाद मैं यहाँ पे 2018 में आया, और 18 में आने के बाद जब मैं इस मंदिर में, तो मैं बचपन से ही आ रहा हूँ वैसे, और जब मैंने यहाँ पे आके जब पहली बार देखा 2018 में कि यहाँ पे सब बातचीत कर रहे हैं, सब मिलके बैठे हैं युवा मंच के, वो उस टाइम तो युवा मंच नहीं था कि सभी युवा बैठे हैं, कि हमने ऐसा विचार कर रहे हैं कि अगर हम इतने लोग मिलके ऐसे झांकी बनाएं इस रुद्रपुर में और इस मंदिर में, तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत ऐतिहासिक रहेगी। तो उस समय जब हमने ये झांकी बनाई थी और मेरे को ये अवसर मिला था यहाँ पे जुड़ने का सबके साथ, तो उस समय भी ये झांकी बहुत ऐतिहासिक झांकी रही थी। उसके बाद लगातार हम बनाते आ रहे हैं। कोविड काल में हम नहीं बना पाए, क्योंकि आपको पता ही है कोविड काल में संपूर्ण सिचुएशन क्या थी। उसके बाद मैं सभी युवाओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि हम ये करें, सोचने का नहीं है। अगर आज की डेट में अगर आपका मन करता है, आप अपने संस्कृति से जुड़े रहें, और अपना जैसे कि सब लोग मंदिर आते हैं, हमको देखते भी हैं यहाँ काम करते हुए, बहुत मेहनत वाला काम भी होता है, जगह छोटी की बात नहीं है, मन बड़ा होना चाहिए, एक विचार बड़े होने चाहिए, एक सोच अच्छी होनी चाहिए। उसी सोच से हमने ये काम किया और सब लोगों को इकट्ठा किया, सब युवा मंच को इकट्ठा किया, हमारे मंदिर अध्यक्ष ने हमारे सिर पर हाथ रखा कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप बिल्कुल अच्छे तरह से झांकी बनाएं, कोई भी किसी भी तरह की समस्या आएगी तो हम पीछे खड़े हैं, आप अपना तन मन धन से बिल्कुल यहाँ पे कार्य करें, सेवा करें और सेवा भाव से करें। यहाँ पे हमारे मंदिर में कोई राजनीति कुछ भी नहीं होती है, हम बिल्कुल सेवा भाव से काम करते हैं, सब आते हैं यहाँ पे, समय समय से सब आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं, और इस बार माँ वैष्णो दरबार बन रहा है और बहुत ऐतिहासिक बनेगा ये भी। जय माता की। जैसा कि देखते हैं, हम सरदार जी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्था में मुझे दिख ही जाते हैं। बात करता हूँ कि माता वैष्णो देवी में किस तरह से आपकी रुचि है? बहुत अच्छी रुचि है। मैं इस युवा मंच से 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पहले बार हमने माता वैष्णो देवी की झांकी बनाई थी, उसके बाद हमने अब अमरनाथ की बनाई थी, अब हम केदारनाथ की बनाई थी, उसके बाद अब
वैष्णो देवी की दोबारा मना रहे हैं और हम मैं चाहता हूँ कि सभी इससे जुड़ें, सभी दर्शन करने आए 7 सितंबर से 12 सितंबर तक। सर अब बात कर रहे हैं कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो हम आए दिन देखते रहते हैं, अगर शिव मंदिर की बात करें तो कहीं ना कहीं इनका चेहरा मुझे दिख ही जाता है। सर किस तरह से देखते हैं इस बार आपने माता वैष्णो जी की झांकी लगा रहे हैं, बाबा बर्फानी की भी झांकी लगाई थी, कैसे देखते हैं इसको, किस तरह से देखते हैं, क्या आपने युवाओं में क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर, आप अपना कीमती समय निकाल के हमसे बातचीत करने आए। शिव शक्ति युवा मंच एक बहुत ही भव्य युवा मंच है, जो कि जिस चीज़ की ठान ले वो करने की बिल्कुल सोचता है। इस बार भव्य झांकी बनने जा रही है, हमें भीड़ संभाली जाएगी, इतनी तादाद में पब्लिक आएगी, बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है। सब तन मन धन से लगे हुए हैं सारे हमारे कार्यकर्ता। इसी के साथ मैं सभी को ये कहूँगा कि आए बढ़ चढ़कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। सर मेन चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा होती है पार्किंग को लेकर, उसकी क्या व्यवस्था की जाएगी? लोगों आने के लिए तो व्यवस्था आपने कर दी कि भारी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन उनके जैसे आप शूज़ पहन के आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, उनका किस तरह से रख रखाव किया जाएगा और पार्किंग को लेकर किस व्यवस्था कैसे व्यवस्था की जाएगी? देखिए पिछली बार पिछले साल जो हमारे मंदिर के पीछे वाली ये सड़क थी ये टूटी हुई थी, इसमें पानी भर जाता था, तो इस बार ये हमारी पूरी सड़क बन चुकी है, तैयार है, पुलिया भी दोनों साइड ऊंची बन चुकी है, तो हम यहाँ पार्किंग की व्यवस्था इस रोड पे पूरी करेंगे और इस रोड पे व्यवस्था पार्किंग की करेंगे और जहाँ से हमारी एंट्री होगी मंदिर में वहाँ हम जोड़ा घर, बहुत बड़ा भव्य जोड़ा घर बना रहे हैं और उस जोड़े घर में किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, वहाँ हमारी व्यवस्था रहेगी, हमारा मंच रहेगा, हम और भी 2-3 बजरंग दल हैं और भी हमारी व्यवस्थाएं बातें चल रही हैं, जो जो हमें सेवा देना चाहेगा हमारी सेवा रहेगी। इस बार जोड़े घर की और पार्किंग की किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। और रही बात पार्किंग की, देखिए कोई भी संस्था होती है, कहीं बड़ा प्रोग्राम होता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि सर मैं 5,000 गाड़ियाँ खड़ी करने की व्यवस्था कर दूंगा, ये है, लेकिन हमारी रिंग रोड इतनी बड़ी है जो हमारा गुरुद्वारे से लेके और यहाँ बहुत बड़ी चौड़ी सड़क है, वहाँ आदमी पार्किंग कर सकता है। अब कहीं भी हम जन्माष्टमी में ऐसी जगह जाएंगे तो भीड़ तो मिलेगी, पार्किंग की व्यवस्था, लेकिन इस बार हमने मंदिर के पीछे वाली जो सड़क है हमारी, जो बंस एंड गंज से शुरू होके और हमारा ये मंदिर के गेट पे ख़त्म होती है, ये पूरी चौड़ी सड़क में हम पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के साथ हम यहाँ पार्किंग की व्यवस्था रखेंगे। और इस बार हमने अपनी झांकी को अच्छी व्यवस्था देने के लिए हमने गार्ड्स की भी अपनी युवा मंच की तरफ से व्यवस्था करी है, हमारी पहाड़ पार्किंग में, हमारे जोड़ा घरों में, हमारी VIP लाइंस में, हमारी पब्लिक लाइंस में हमारे गार्ड्स होंगे, ताकि किसी प्रकार की किसी भी हमारे सेवादार को और हमारी आने वाली संगत को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। और इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए इस बार हमने अरेंजमेंट अपनी तरफ से बहुत अच्छे करे हैं। हमारी इस बार हमारे झांकी में 5वें दिन हमारे IG साहब नीलेश भंडे जी भी आ रहे हैं और नीलेश भंडे जी भी हमारे IG साहब आ रहे हैं और उसको देखते हुए हमारी पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था इस बार बहुत बढ़िया सुचारू रूप से होगी। बाकी माता का दरबार है, देखिए भीड़ तो होती है, सब चीज़ होती है, अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कोई अव्यवस्था ना हो और माता का आशीर्वाद आज तक हम पे बना रहा है, 5 साल से हमारे यहाँ कोई ना तो कोई अव्यवस्था हुई है। थोड़ी बहुत दिक्कतें देखिए भीड़ में आती हैं, पब्लिक को भी संभालनी पड़ती हैं, हमें भी संभालनी पड़ती हैं, प्रशासन भी हमारा साथ देता है। और बाकी इस बार पता नहीं क्यों मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि इस बार हमारा 5,000 से ऊपर पर डे का हमारी संगत आएगी और दर्शन करेगी, क्योंकि इस बार झांकी को आप पीछे एक बार कैमरा घुमा के दिखा भी सकते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ को हमने इस बार दर्शाया है, पूरा चित्रार्थ किया है एक एक चीज़ को। जैसे आप कटरा में आएंगे आपको कटरा पूरा शहर दिखेगा, शहर आने के बाद आपको यात्रा पर्ची मिलेगी, यात्रा पर्ची में हमारी एक एक संख्या डली होगी कि कौन बंदा कितने तारीख को कितने यात्री हमारे आज दर्शन करके गए हैं। उसके बाद हमारे बाण गंगा आएगी, बाण गंगा में झरना आएगा माता का पूरा, वहाँ हम जल की व्यवस्था करेंगे, कटरा और बाणगंगा शहर के बीच में वहाँ हलवे का प्रसाद, जहाँ आप ओरिजिनल हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ देसी घी का हलवे का प्रसाद मिलता है, हमारी वो व्यवस्था रहेगी वहाँ पे, आपको वहाँ प्रसाद मिलेगा। फिर हम पूरी यात्रा कराएंगे, फिर हमारा यात्राओं के बीच में हमारा चरण पादिका मंदिर आएगा, गर्भजून मंदिर आएगा, सूखी गर्भजून गुफा आएगी, उसके बाद हमारा जलपान गृह है, प्रसाद वितरण का हमारी व्यवस्था है। इस बार प्रसाद की व्यवस्था हमने पिछली बार को देखते हुए, कई जगह हमारी कमियाँ थी उसको
उधारा है। इस बार हमने प्रसाद की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से करी है ताकि कोई भी व्यक्ति, भले वो निर्धन हो भले वो धनवान हो, वो माता के चरणों में हाजिरी जरूर लगा के जाए। इसीलिए हमने मात्र 50 रुपये से प्रसाद की व्यवस्था इस बार रखी है, मात्र 50 रुपये से, 50 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये और 500 रुपये। तो कोई किसी के मन में ये भावना ना आए कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं माता के चरणों में हाजिरी कैसे लगाऊं। तो मात्र 50 रुपये से हमने इस बार सेवा रखी है। उसके बाद हमारी हाथी मत्था, सांझी छत, दो हेलीपैड हैं हमारे, एक कटरा में हेलीपैड बनेगा, एक सांझी छत में हेलीपैड बनेगा। हमारे नीचे घोड़ों की व्यवस्था आपको मिलेगी, घोड़े होंगे, पिट्ठू होंगे, हर चीज़ को ऐसे दर्शाया जाएगा कि आपको जो आदमी आज तक वैष्णो देवी नहीं गया है उसे ये नहीं, और जो गया है उसे ये नहीं लगेगा कि मैं वैष्णो देवी नहीं घूम रहा, उसे 3 घंटे तक ये लगेगा कि मैं दरबार में कहीं हूँ। और उसके बाद आपको एक और खुशखबरी भी चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि जो हमने इस बार माता के भवन में जो पिंडियाँ रखी जाती हैं, माता का दरबार है, जो हमारे महंत जी श्री अनंत कुमार जी जो हर साल सेवा देते हैं, वो कल हरिद्वार से स्पेशल पिंडियाँ लेके आए हैं। कल स्पेशल वो गए हैं और कल हरिद्वार से हमारी वो पिंडियाँ आई हैं और वो हम करेंगे। और हम कोई भी काम, ये झांकी का मतलब ये नहीं है कि ये वो मनोरंजन की जगह है या कुछ है, हम हर चीज़ को पूजा विधि विधान के साथ करते हैं। हमारी मंदिर सभा के अध्यक्ष पवन वर्मा जी, मैं खुद और हमारे टीम और हमारे अनंत अंकल महंत जी, हर चीज़ पूजा विधि विधान से होते। जब हम पिंडियों का करेंगे तो हम पूरी पूजा विधि विधान से, यहाँ तक कि हमने पूजा, जब हमने भूमि पूजन किया और हमने पूजा करेंगे, हम पंडित जी से टाइम निकलवाते हैं कि वो राहु काल तो नहीं है, कुछ नहीं है, जो समय होता है उस समय से हम पूजा अर्चना करते हैं। और जब हम वाइंड अप करते हैं पूरी झांकी को तो हम पूरे विधि विधान से हरिद्वार या गर्जिया जाके हम विसर्जन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मनोरंजन के लिए बना दिया और हम मनोरंजन के लिए, एक एक चीज़ को हम पूजा अर्चना के साथ, और जितनी हमारी टीम होती है जो ज्योत की सेवा करती है और जो जिसमें मैं हूँ, मेरे मंदिर सभा के अध्यक्ष पवन वर्मा जी हैं, मेरी टीम के 3-4 बंदे हो रहे हैं, हम प्याज लहसुन तक का भी सेवन नहीं करते हैं और हम घरों में भी ज़मीन पर सोते हैं, हम बेडों पे नहीं सोते अपने परिवार के साथ। इतना तक ध्यान रखते हैं तभी माता हम पे कृपा करती है। देखा आपने कितनी बखूबी से अध्यक्ष जी ने बताया, युवा मंच के अध्यक्ष जी ने, कि किस तरह से माता जी के झांकी निकाली दिखाई जाएगी, जो सारी वहाँ पे माता वैष्णो देवी में है। जैसे कटरा में आप पहुँचते हो तो किस तरह से आपको वहाँ देखने को मिलता है, हेलीपैड देखने को मिलता है, बाण गंगा देखने को मिलती है, फिर माता के जी के जब दर्शन होते हैं उस तरह का सारा कुछ इसमें पूर्णतया दिखाया जाएगा। आप 7 सितंबर से ये झांकी का प्रोग्राम जो रखा गया है, 7 सितंबर से रखा गया है, मैं सभी सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, भारी संख्या में आइए और ये प्राचीन आवास विकास के शिव मंदिर में, ये प्रांगण में यह सारा आयोजन किया जा रहा है। आइए और इसका जो वैष्णो देवी नहीं गया है वो यहाँ आने के बाद आपको खुद ही दिख जाएगा माता जी के कैसे दर्शन होते हैं, कहाँ क्या चीज़ है। अपने सहयोगी साथ मैं दुर्गेश तिवारी, सुरागी लाल न्यूज चैनल। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल